बड़ा ही आसान है। जाति, आवासीय, आय, किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट जो आपको अंचल में जाके बनवाने पड़ते थे, आसानी से आप उसको बनवा सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि गूगल में आपको लिखना है सर्विस ऑनलाइन बिहार, serviceonlinebihar.gov.in, RTPS का ये साइट है, इस पर क्लिक करते ही ऑफिशियल वेबसाइट का इंटरफेस ऐसा आएगा। आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो आप ऑनलाइन आवेदन का एक सेक्शन देखेंगे लेफ्ट साइड में, उस पर कर्सर जैसे ले जाने के बाद में कई एक ऑप्शन आएगा, लोक सेवाएं वाले पे क्लिक करना है। वहाँ पे आप कर्सर ले जाएंगे तो फिर ऑप्शन आएगा, सामान्य प्रशासन विभाग पे ले जाएंगे तो आपको वो सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, नॉन क्रिमिलियर, ये जितने EWS, ये सारे पे जो भी चाहे आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए हम EWS का अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आएगा, अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर, जिला स्तर। चलिए अंचल स्तर पे करते हैं, नहीं ब्लॉक स्तर पे। बस अब यहाँ पे बहुत ही आसान है, एक ही पेज का फॉर्म है, आपको बस फिल कर देना है। फर्स्ट में जो है कि आप हिंदी में आवेदन देना चाहते कि इंग्लिश में, ये दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। महिला पुरुष जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, आवेदक का नाम आप लिख देंगे, आवेदक का जो है अभिवादन आप चाह रहे हैं श्रीमती सुश्री श्री लगाना तो ठीक है, नहीं तो कोई अभिवादन नहीं पे कर देंगे, वो सब नहीं लगेगा नाम में। यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम आपको इंग्लिश में भरना है, फिर यहाँ पे हिंदी में अपने आप हो जाएगा। जन्मतिथि आपको फिल कर देना है, आधार संख्या फिल कर देना है, कौन से राज्य, ऑटोमेटिक एक ही राज्य रहेगा बिहार, सेलेक्ट करते ही आपका जिला का सारा ऑप्शन आने लगेगा, अनुमंडल आपका जो भी है वो सब आने लगेगा, प्रखंड भी आ जाएगा ऑप्शन में, ग्राम पंचायत स्तर बाय डिफॉल्ट टिक रहेगा, आप उसको छोड़ देंगे, नगर परिषद या फिर नगर निगम वाले बनवाना चाहते हैं तो उस पर क्लिक आप कर देंगे। जो भी आपका वार्ड संख्या है उसको आप फिल कर देंगे, यहाँ पे आप आपका पंचायत का नाम लिस्ट में आ जाएगा, सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे फिर से ग्राम पंचायत का नाम फिल कर देंगे, पोस्ट ऑफिस कहाँ है फिल कर देंगे, थाना का नाम यहाँ आप ऑप्शन से फिल कर देंगे, पिन कोड आपका जो भी हो वो आप फिल कर देंगे, और बाकी ये जो हाउस नंबर है, सर्कल नंबर है, आप चाहे तो फिल करेंगे नहीं भी करेंगे। जहाँ पे रेड बिंदी है वही मैंडेटरी है, रेड स्टार जो छोटा में है वो मैंडेटरी है भरना बस। जैसे यहाँ पे आपको अपना जाति जो भी आपका है वो सिलेक्ट कर देना है, फादर्स नेम यहाँ पे हिंदी में हो जाएगा अपने आप, इंग्लिश में, फिर मदर्स नेम यहाँ पे हिंदी में हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ का नाम चाहे वो सब लिखना या फिर ये मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे। उसके बाद में मोबाइल नंबर आपको फिल करना है, इस पर लिंक आएगा, उस लिंक पे आपको सर्टिफिकेट का लिंक आ जाएगा, वैसे ही मेल भी भरना है क्योंकि उस पर भी आपका सर्टिफिकेट का लिंक आ जाएगा, जैसे बनते ही आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद डाउनलोड कर लेंगे। फ़ोटो आपको एक अपलोड करना है, फ़ोटो आपका 100 अभी परिमाणित होना चाहिए, जैसे कि आप ये फ़ोटो देख रहे हैं कि यहाँ पे नाम एक पेपर पे लिख ले, फ़ोटो के नीचे एक नाम लिख के फ़ोटो खींच के फिर उसको आप क्रॉप करके रिसाइज करके लगा देंगे, क्योंकि 100 अभी परिमाणित होना चाहिए आपका सिग्नेचर के साथ। ये सब कुछ होने के बाद में परिवार का कुल आय आपका जितना भी हो वो आप फिल कर दीजिएगा, उसके बाद में आपको बस यहाँ पर एग्री पे क्लिक करके और बस इस कैप्चा को फिल करके सबमिट कर देना है। यहाँ पे सारे फील्ड को हमने भर दिया, यहाँ पे सबमिट पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कृपया शुद्धता की जांच कर ले, ओके आप करेंगे। यहाँ पे आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को आप एंटर करके वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे। मैंने OTP को एंटर करके यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे आधार वेरीफाइड हो गया, ओके हो गया। फाइनली आपके भरे हुए सारे आवेदन आपके सामने आ जाएंगे, आप उसको बारीकी से एक एक करके पढ़ लेंगे और वहाँ पे नीचे में ऑप्शन आएगा एक एडिट का, गलत होता है लगता है तो आप एडिट कर लेंगे, अन्यथा आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से आपके सामने में आवेदन पूर्ण रूप से सबमिट हो गया है। यहाँ पे आपको डेट दिया गया है 21 कार्य दिवस, 21 दिन का समय लग सकता है वेरीफाइड होने में और आप उसको आसानी से डाउनलोड कर लेंगे। आप यहाँ पे PDF में इसको लेने के लिए क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट टू PDF और ये PDF में डाउनलोड हो गया रहेगा और ये आपका आवेदन का रिसीविंग है। और ऐसे में आप देखेंगे कि मोबाइल नंबर जो डाला गया था उसका सूचना इस पे आपको मिल गया, फिर यहाँ पे आपके नाम से आवेदन संख्या के साथ प्रमाण पत्र तैयार है, इसे अपने ईमेल या DigiLocker लिंक से डाउनलोड करें, सर्विस प्लस सरकार यानी कि आप साइट पर जाके डाउनलोड करें या फिर मेल पे आ गया है, ये आपको सूचना मैसेज द्वारा मिल जाती है जैसे ही आपका सर्टिफिकेट रेडी हो जाता है। तो ये फ़ायदा होता है मोबाइल नंबर देने का। पुनः हमको डाउनलोड सर्टिफिकेट करना है तो वही गूगल में हम सर्च करेंगे सर्विस ऑनलाइन बिहार, सर्च करते ही सर्विस ऑनलाइन serviceonlinebihar.gov.in की वेबसाइट आ जाएगी RTPS की। यहाँ पर वेबसाइट का इंटरफेस सेम वही रहेगा, आपको नागरिक के अनुभाग का एक सेक्शन है, यदि आप मोबाइल मोड में है तो आपको कुछ इस तरह का पेज आएगा, उसमें आपको ऐसे करेंगे 3 लाइंस पे
तो आपको उसमें आएगा नागरिक अनुभाग और उसमें सर्टिफिकेट डाउनलोड करें। लैपटॉप पे है तो ऐसे ही आपको फ्रंट पे आ जाएगा नागरिक अनुभाग सर्टिफिकेट डाउनलोड करें। आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और फिर एप्लीकेंट का नाम डाल के सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना है। इस प्रकार एप्लीकेशन नंबर एप्लीकेंट नेम दोनों फिल करने के बाद डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, नया पेज में डाउनलोड होने लगेगा। इस प्रकार से सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया है, ये रहा सर्टिफिकेट। और आप देखना चाहे तो यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर जो है अधिकारी द्वारा यहाँ पे कर दिया गया है, ये रहा डिजिटल सिग्नेचर साइंड बाई अधिकारी का नाम है उपेंद्र कुमार तिवारी, ये साइन कर दिया गया है और ये आपका फाइनल रूप से सर्टिफिकेट मिल जाता है।